अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्तैद बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल छोटी ज़रीन न्यूज़। आज दोस्तों मैं आपको एक मेरे ज़राए ने बताया है, सोशल मीडिया ज़राए के मुताबिक एक बड़ी खबर चल रही है, बड़ी बिग न्यूज़ चल रही है। वो मैं बलोचिस्तान के अवाम ने पंजाब को जो है सब्ज़ी फ्रूट ना देने का फैसला कर लिया है। वजह क्या है, आपने वीडियो आखिर तक देखना है, वजह मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों वजह यह है, निगरान हुकूमत ने जो है और ईरान से जो है बलूचिस्तान से जो है ईरानी डीजल पेट्रोल जो है वो पंजाब में आता था, पंजाब में फरोख्त हो रहा था, स्मगलिंग हो रहा था, तो हुकूमत ने जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी वजह से बलूचिस्तान की आवाम ने जो है वो उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हम जो है जब तक हमें डीजल पेट्रोल ईरानी डीजल पेट्रोल पंजाब में लाने नहीं देते तो हमने ये फैसला किया है कि हम सब्जी फ्रूट जो है वो पंजाब नहीं लेकर जाएंगे। बलूचिस्तान की आवाम ने यही फैसला किया है कि जब तक हमें डीजल और पेट्रोल पंजाब लाने नहीं देते तो हम जो है सब्ज़ी फ्रूट जो है पंजाब को नहीं देंगे, सब्ज़ी फ्रूट नहीं देंगे। आज तकरीबन देखने को मिला है, आज दूसरा तीसरा दिन है, सब्ज़ी वाली जो गाड़ी है बलूचिस्तान से पंजाब में एक भी नहीं आई। हड़ताल कर चुके हैं बलूचिस्तान की आवाम ने, बलूचिस्तान के लोगों ने, ताजरों ने जो है हड़ताल किया है, सब्ज़ी फ्रूट जो है वहाँ रोक दिया है पंजाब लाने के लिए। उन्होंने माजरत किया है कि हम पंजाब जब तक नहीं लाएंगे जब तक हमें पेट्रोल और डीजल का इजाज़त नहीं मिल जाता। फिलहाल हुकूमत ने जो है पेट्रोल और डीजल पे जो है ईरानी डीजल पेट्रोल पे फुल पाबंदी आयद कर दी है। आज की इस खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।